पूछा राम भैया कहाँ गए, उन्होंने उनका मुंह से क्या निकलेगा पता है? अरे भाई राम भाई का बात तुम मत वो तो सारा पागल है इसी के लिए घर में क्या रहेगा वो, रात को सिर्फ खाना खाने के लिए आता है, किसको तो वो होटल समझता है, जाके देख किसी दूसरे आदमी के पास बैठ गया किसको समझा रहा हो, पॉलिसी समझा रहा हो। पहला पागल का ब्रांड आपको घर से सुनने को मिलेगा, तभी आपका सक्सेस का लाइफ शुरू हो जाएगा। मैं जब काम कर रहा था मेरे को आदमी लोग पागल बोलते, मेरे को बोलते थे, मेरे गांव में मेरा ब्रांड था सतपति एलआईसी पागल, सतपति के सामने मत जाना, अगर उसका सामने तू आ गया तेरा दो घंटा खाएगा और उसी टाइम से लेकर जब तक तेरे से पॉलिसी नहीं लेता तेरे को यमराज छोड़ देगा, मगर ये सला सतपति नहीं छोड़ेगा, ये मेरा ब्रांड था, ये मेरा ब्रांड था। तो मैं काम कर क्यों, मैं फिजिकली मेंटली हटी लिए, एक बार फिजिकली मेंटली हटी लिए अगर आप एलआईसी में जुड़ गए उसका साथ, उसका बाद में क्या होगा पता है, आपका कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। मैं एलआईसी में खुशी खुशी से नहीं आया था, एलआईसी में जो लोग एजेंट लेते हैं, एजेंसी लेते हैं, वो दो तरह के एजेंट होते हैं। आप में से कितना आदमी ऐसा है जो स्कूल में पढ़ने के टाइम से सोच रहे थे मैं एलआईसी एजेंट बनूंगा, ऐसा कोई है क्या? हेलो है क्या? नो, एलआईसी एजेंसी को करियर बनाने के लिए कोई शुरू से पहले शुरू से सोचता नहीं है। कुछ लोग खुशी से आते हैं, कुछ लोग मजबूरी से आते हैं, ये सर नो। हेलो, कुछ लोग आते हैं चल के आते हैं, बोलते हैं सर जी मेरे को एजेंसी लेना है, थोड़ा एजेंसी दे दे, बहुत कम होते हैं इससे, बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम कैसे होते हैं, उनको लाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार खींचने पर उसे आदमी एजेंसी लगते हैं। ये सर नो, आवाज नहीं आया भाई, ये सर नो, यस। और मैं तो वो खींचने वालों में से था, मैं खुशी खुशी से नहीं लिया, मेरा जो गुरु थे, मेरा जो डीओ सर थे वो आज नहीं है। मैं 1977 में एलआईसी के साथ जुड़ा,